बालासोर रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 793 घायलों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं अब तक 382 घायलों का इलाज चल रहा है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि कल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। कल रात एक ट्रैक काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रैक का आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को भी निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूप चालू हो जाए। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं बालासोर की, जहां पर काम चल रहा है। ट्रैक को ठीक करने का, जो मलबा है उसको हटा लिया गया है और जो लाइन है उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। और जैसा कि रेल मंत्री बता रहे हैं कि कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इस रूट को बहाल कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल जो क्षतिग्रस्त डिब्बे हैं उनको भी वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। पटरी जो टूट गई थी उसको भी जोड़ने की कोशिश हो रही है और केबल्स और लाइन को भी ठीक करने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो तेजी से काम किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि इस रूट की वजह से जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, जो ट्रेनें जिन ट्रेन्स का रूट डाइवर्ट किया गया है, उन ट्रेन्स को वापस इस ट्रैक पर जल्द से जल्द लाया जाए। यही वजह है कि तेजी से ट्रैक पर इस वक्त काम चल रहा है। ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ, अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो ओएचई का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है, जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए, सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है।